Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station. सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज अरकम अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। गाइस, यहां पे मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। हम लोग आज बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया अनबैन के बारे में। नई रिलीज डेट आई है एंड जो गवर्नमेंट से ये लोगों का मीटिंग होने वाला था उसमें क्या डिसाइड हुआ, वो मीटिंग हो गई, क्या बात हुई, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो यहां पे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट इनटू दिस। सो स्टार्ट कर लीजिए आप वीडियो यहाँ पे, लेकिन उससे पहले यार आप लोग फटाफट से नीचे लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो, उसको फटाफट रेड से व्हाइट करो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली रात में 9 बजे के बाद इसी चैनल पर स्ट्रीम करता हूँ। तो यार अगर आप लोग ये वीडियो रात में देख रहे हो तो एक बार जरूर चैनल ओपन करना, मैं लाइव मिलूंगा, लाइव चैट में हाय बोल देना। सो स्टार्ट कर लीजिए वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिकल, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने india.com, news18, NBC स्पोर्ट कीड़ा, बड़े बड़े आर्टिकल ने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है कि PUBG मोबाइल की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो 25 दिसंबर है PUBG मोबाइल इंडिया की। ओके, सो news18 एंड india.com और जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट कीड़ा वगैरह सब ने, आप लोग गूगल करके देख सकते हो, जो मैंने अभी गूगल करा आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे जो ये है, चलो अगर ये भी मुझे तब लग नहीं रहा, गूगल की बातें कभी कभी गलत हो जाती है, तो यहाँ पे एक ट्वीट आया था फ्रॉम मैक्शन कि पाजी जो इंडिया में है 25 को कुछ एक नया, हम लोगों को 25 दिसंबर को कुछ नया अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। ओके, तो कुछ ऐसा है जो कि अकॉर्डिंग टू सम इंटरनल सोर्सेस दैट माइट बी एन अनाउंसमेंट रिलेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियल ऑन दिस क्रिसमस, मतलब क्या हो गया 25 दिसंबर। ओके, सो यहाँ पे ये भी मैक्शन ने कमेंट करके ट्वीट करके बताया था ये चीज़ को। सो ये पे यहाँ पे गाइस, ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ये जो डेट है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीक लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, मतलब ये कोई ऐसा सोर्स ऐसे ही एवी सोर्स नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। सो यहाँ पे चांसेस है गाइस आने के। अभी यहाँ पे सेकंड चीज़ बात करी जाए, जो हमारा पबजी मोबाइल इंडिया और इंडिया का जो MEITY के साथ मीटिंग करने वाले थे उनका क्या हुआ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो काफ़ी दिन से वो लोग हैरान है MEITY के साथ मीटिंग करने के लिए। ओके, सो आप लोगों को नहीं पता MEITY क्या है, वो जो हमारा इंडिया का जो भी ऐप वगैरह बैन करती है वो चीज़ है, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से बिलोंग करते वो लोग, एंड वो सारा ऐप रिव्यू करते हैं, जो कि हमारा 200 ऐप बैन हुआ था वो भी ये लोगों ने ही किया था। ओके, तो वहाँ पे उनके साथ इनका मीटिंग होने वाला था, वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन फाइनली कुछ दिन पहले जाके मीटिंग हुआ एंड वहाँ पे 3 पॉइंट्स ये यहाँ पर निकल के आए, जिसकी वजह से PUBG मोबाइल इंडिया में अनबैन नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है गवर्नमेंट का। तो पहला रीज़न यहाँ पे दिया है, देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री कैन हैव डिफरेंट रूल फॉर अ डिफरेंट एंटिटीज़। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चाइनीज़ ऐप और लिंक्स वगैरह जो भी बैन करे गए थे वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऐप के लिए वो लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो सिर्फ एक ऐप के लिए, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर एक ऐप करेंगे तो बाकी के ऐप वाले भी फिर अपना जो भी स्पॉन्सर है चेंज करके कम बैक करने की कोशिश करेंगे इंडिया में। तो यहाँ पे एक रीज़न ये लोगों ने दिया। सेकंड है यहाँ पे लिखा है कि जो रीज़न टू है वो है रीज़न डिसीजन टू बैन चाइनीज ऐप ऑल्सो इन्वॉल्व पब्लिक सेंटीमेंट्स, और यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इतनी बड़ी चीज़ वीवो IPL 2020, जो कि इस बार वीवो की जगह ड्रीम 11 स्पॉन्सर हुआ था। वीवो मतलब IPL इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी अर्निंग होती है, तो वहाँ पे जब इतनी बड़ी चीज़ को वो नहीं किया गया, वीवो को परमिशन नहीं दी गई, तो यहाँ पे PUBG मोबाइल को कैसे परमिशन दी जाए। ओके, तो यहाँ पे ये भी इनका सेकंड रीज़न था। थर्ड रीज़न था इंडिया एंड चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रिमेन अनरिजॉल्व। जैसे कि आप लोग बताओ गलवान वैली में क्या हुआ था ठीक 6 महीना पहले, उसके बाद से जो PUBG जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया था कि भाई जो भी चाइनीज ऐप वगैरह हम लोग उसको बैन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ रीज़न निकल के आता है कि हम लोग बैन करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ऐप के लिए। नीचे लिखा हुआ है PUBG इन द करंट सरकमस्टेंसेज एंड कैन हैव सम स्पेशल विंडो फॉर गेमिंग कंपनी, मतलब यहाँ पे आप लोग चेंज कर लो कुछ भी कर लो हम लोग ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे। यहाँ पे 3 रीज़न ये लोगों ने दे दिया, बट इसमें से कुछ भी मतलब उतना वैलिड नहीं लगा
देखा जाए तो बात तो हुई थी ऑफिशियल्स के थ्रू भी, ट्विटर वगैरह पे। आप लोग अगर एक्टिव हो तो आप लोगों को पता होगा, कुछ एक दो दिन पहले ट्रेंड हो रहा था पबजी मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें, तो वहाँ पे ही मैंने पढ़ा था कि जो ये है यहाँ पे उतने मतलब ज़्यादा बड़े रीजंस नहीं हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। एंड उसके बाद फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने मैक्शन का ट्वीट दिखाया, वो अराउंड अभी कुछ एक घंटा पहले ही ट्वीट आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कि भाई रीज़न नहीं है तीनों। तो फिर ये ट्वीट हुआ, फिर मैंने रीज़न सर्च करी तो मुझे मालूम पड़ा कि भैया हाँ चांसेस है अभी अनबैन होने के आने के चांसेस है। तो गाइज यही फाइनल डेट है कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, 25 दिसंबर को कुछ तो नया आएगा। एंड इवन आप लोगों ने देखा होगा पबजी मोबाइल का कोई तो अभी नया हम लोगों को ड्रेस वगैरह भी मिल रहा था, कुछ तो मिल रहा था जो कि इंडिया का फेस्टिवल के हिसाब से, कम बैक फेस्टिवल के हिसाब से दिया जा रहा था ग्लोबल वर्जन में। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए अब आने के, ज़्यादा दिन दूर नहीं भाई हम लोग को फटाफट से देखने को मिल जाएगा जल्दी से पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन होके। तो गाइस ये गुड न्यूज़ थी, फटाफट से वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको ये बताओ कि क्या डेट आ गई 25 दिसंबर की, उनको ही फटाफट से शेयर करके बताओ फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। और गाइस लाइक करो डिसलाइक करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये वाली वीडियो। सो गाइस थैंक्स वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।